नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गजब का लगाया दिमाग, सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया है बंद। फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेस या पैसे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया है। इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए गए हैं। किराए पर मकान और फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए भी बजट में नया नियम आ गया है, जिस पर उनको खास ध्यान देने की जरूरत है। मकान किराए पर चढ़ाकर कमाई करने वाले लोगों के लिए बजट में जरूरी प्रावधान यह है कि अब घर या फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर होने वाली इनकम को इनकम टैक्स दाखिल करते समय हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के रूप में घोषित करना होगा। अब इसे बिजनेस इनकम के रूप में नहीं दिखा जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय इनकम टैक्स एक्ट में एक अहम संशोधन का जिक्र किया है, जिसमें साफ किया गया है कि आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली इनकम को बिजनेस या किसी पैसे से होने वाली इनकम के बजाय गृह संपत्ति से इनकम के तहत दिखाया जाना चाहिए। वर्तमान में टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को कम दिखाने के लिए गलत तरीके से व्यवसाय और पैसे से मिलने वाले फायदे के रूप में दिखा देते हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि इसकी वजह से उनकी देनदारी कम हो रही है। इस प्रावधान में कुछ प्रॉपर्टी मालिकों को किराए की इनकम को बिजनेस से होने वाली इनकम के रूप में दिखाने की परमिशन है, जिससे रखरखाव लागत, मरम्मत और डेप्रिसिएशन जैसी कटौती का दावा किया जा सकता है। इस तरीके से इनकम को गलत तरीके से दिखा के टैक्स पेयर्स अपनी टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे उनको कम टैक्स भरना पड़ता है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि स्थिति को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की धारा 28 में संशोधन करेगी, जिसके बाद टैक्स पेयर किराए से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में शो नहीं कर सकेंगे। बिजनेस या पैसा और गृह संपत्ति इनकम मद के तहत देय होगी। इस नए नियम से इस तरह के लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह संशोधन अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। यह नया नियम इनकम टैक्स पेयर्स को गलत इनकम के नाम से कम टैक्स भरने से रोक सकेगा। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।